तो जब भी आप ACC का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, यू विल गेट टू सी के वहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड GK पोर्शन में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसी पर्पस के लिए मैं आपके लिए ये एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम GK से रिलेटेड जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो ये डिटेल्स जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इन डिटेल जो वीडियोज़ हैं, बिकॉज जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, गेम्स और नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, जैसे वो पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ बेसबॉल, वो बोल देंगे 8, 9, 10, 11, इस तरह से चार ऑप्शन होंगे। तो आपको ऑप्शन 9 पे टिक करना है। फिर जैसे एक और तरह से कि कौन सी गेम का कौन सा नेशनल स्पोर्ट है, इस तरह से भी क्वेश्चन। तो सारे टॉपिक्स जो भी स्पोर्ट से रिलेटेड बन सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और एट द एंड यू विल गेट टू सी के स्पोर्ट्स वाला पोर्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गेम एंड नंबर ऑफ़ प्लेयर्स। तो बेसबॉल जो गेम है, US का नेशनल स्पोर्ट है ये, तो इसमें टोटल 9 प्लेयर्स होते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये जो प्लेयर्स है ना, पर टीम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं पर साइड। उसके बाद ब्रिज जो गेम है, उसमें 2 प्लेयर्स होते हैं पर साइड। रग्बी फुटबॉल जो है, उसमें 15 प्लेयर्स होते हैं दो साइड। पोलो जो है, उसमें 4 प्लेयर्स होते हैं दो साइड। बिलार्ड्स स्नूकर जो होता है, उसमें 1 प्लेयर होता है, मतलब एक साइड, और इवन के 2 भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्रोकेट जो प्ले होता है, गेम होता है, उसमें 13 या फिर 15 प्लेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर पोलो जो है, उसमें 7 प्लेयर्स होते हैं। कबड्डी जो है, उसमें भी 7 प्लेयर्स, और नेट बॉल जो है, उसमें भी आपको 7 प्लेयर देखने को मिलेंगे। तो वाटर पोलो, कबड्डी और नेट बॉल, और इनमें 7 प्लेयर होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बेसबॉल में 9 प्लेयर, और क्रिकेट जो है, जो ये सब आप सबका जो है फेवरेट स्पोर्ट, उसमें 11 प्लेयर होते हैं पर साइड। उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रीज़ और उनका नेशनल स्पोर्ट। तो इंडिया जो कंट्री है, उसका नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, ठीक है, जो हमारा प्यारा भारत है। चाइना का है टेबल टेनिस नेशनल स्पोर्ट। उसके बाद USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेसबॉल उनका नेशनल स्पोर्ट है। फिर उसके बाद स्पेन जो कंट्री है, उनका बुल फाइटिंग है। अफगानिस्तान का भुजाकाशी है। जापान का जू जिताशु, टाइप ऑफ मतलब रेसलिंग बोल सकते हैं आप इसको, या फिर टाइक्वांडो की एक टाइप है ये, ठीक है। फिर बांग्लादेश में कबड्डी है फेमस जो नेशनल स्पोर्ट। नेपाल में डांडी बियो है। टर्की में ऑयल रेसलिंग है। भूटान में आर्चरी है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर, ये तो आपने सिर्फ कुछ ही स्पोर्ट्स और कुछ ही कंट्रीज़ के रिलेटेड बताया, ये मैंने वही कवर किए हैं जो कि अभी लास्ट मोमेंट पे आपको जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। आपको मेन कंसिडरेशन में ये रखना है कि वट एवर द थिंग्स वी आर टीचिंग यू ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, वो चीज़ें अच्छे से आपको कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद में ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कप्स और उनकी ट्रॉफीज़। तो जैसे मतलब जो क्रिकेट है, उस क्रिकेट में जो कौन कौन सी सीरीज़ होती है, कौन कौन सी उनकी ट्रॉफीज़ होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि पोलो स्पोर्ट है, तो पोलो में क्या आपको देखने को मिलता है, इज़रा कप, या फिर वेस्ट चेस्टर कप, विनचेस्टर कप, राधा मोहन कप, ठीक है। उसके बाद रोइंग जो है, वेलिंगटन ट्रॉफी है इसके रिलेटेड। बैडमिंटन में एशिया कप भी होता है, अमृत दीवान कप भी होता है, चड्डा कप होता है, यूरोपियन कप होता है बैडमिंटन में, हरिल्ला कप होता है, इब्राहिम राहतुल्ला कप होता है इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मलेशिया ओपन होता है, थॉमस कप होता है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉमस कप याद रखना है, ठीक है। और ऊबर कप होता है वुमेंस के लिए। क्रिकेट के लिए ये मोस्टली पूछा जाता है क्रिकेट से रिलेटेड। तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, दुलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से रिलेटेड है, देवदार ट्रॉफी तो इससे DD वाले जो हैं। उसके बाद CK नायडू ट्रॉफी, वो भी रिलेटेड है, कोच बिहार ट्रॉफी, ये भी। एशिज सीरीज़ जो है, ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच की सीरीज़ होती है, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। गांधी मैंडेला सीरीज़ जो कि अभी हो रही है, ये इसीलिए मैंने इसमें डाली है, अभी साउथ अफ्रीका के साथ जो हमारी सीरीज़ होती है गांधी मैंडेला सीरीज़, तो इट इज़ आल्सो ए सीरीज़ ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। और वर्ल्ड कप्स जो होते हैं वो तो होते ही हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे अगर टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस में आपको जयलक्ष्मी कप इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है मेनली। उसके बाद बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग के रिलेटेड कम ही पूछा जाता है, फुटबॉल का पता होना चाहिए बिकॉज इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, ठीक है।
फिर बंदोकतर ट्रॉफी, फिर बीसी राज ट्रॉफी हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सीजर कप हो गया, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सुब्रतो कप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद IFA शील्ड, दुरंद कप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें, कलिंगा कप इम्पॉर्टेंट है, रोवर्स कप इम्पॉर्टेंट है, गोल्फ़ में कैनेडा कप हो गया, राइडर कप हो गया, मिथेनियन गोल्ड कप हो गया। हॉकी इससे भी रिलेटेड पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा स्ट्रेस उन्हीं पे दे रहा हूँ जिनसे ज़्यादा तक क्वेश्चन आते हैं और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हॉकी में अगर मैं बात करूँ, आगा खान जो कप है, खान अब्दुल गफ़ार खान, ध्यानचंद ट्रॉफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेहरू ट्रॉफी, ठीक है, स्कैंडिया गोल्ड कप, बेंटन कप, ये सारे। उसके बाद में समर ओलंपिक्स जो है 2021 में हुए थे कोविड की वजह से टोक्यो जापान में, उसके बाद में पेरिस फ्रांस में 2024 में होंगे, उसके आगे US में होंगे 2028 में। और हम अगर बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स 2022 में जो होने थे अभी 23 में चाइना में हुए, उसके बाद में ये आपके इटली और मिलन में होंगे 2026 में, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ये बेसिकली क्या है ना, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फीफा वर्ल्ड कप ऑफ 2022 वाज हेल्ड इन विच कंट्री, तो वो आपको वहाँ पे करेक्ट करना है कतर में, या फिर नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री, तो कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स ये मिलके होस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इंडिया में अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट जो है 2027 में ODI का जो वन डे इंटरनेशनल 50 ओवर्स का ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया, ये तीन कंट्रीज मिलके जो है होस्ट करेंगी। और 2031 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड बांग्लादेश मिलके होस्ट करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे इस जो ये जो चार्ट है ना, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे ACC एग्जाम में, समर ओलंपिक से रिलेटेड भी, बिकॉज ये आते हैं, समर पैरालंपिक से रिलेटेड, विंटर ओलंपिक, विंटर पैरालंपिक, यूथ ओलंपिक, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 20 मैन, फिर ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप, ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, एवा बॉक्सिंग का चैंपियनशिप, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, और उसके बाद में एक बार एग्जाम से जाने से पहले रिवाइज ज़रूर करें। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर रही होंगी लास्ट मोमेंट पे। तो अगर आपको बेनिफिट कर रही है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें ACC डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। और साथ ही साथ मैं सारे कैंडिडेट्स को बता दूं, जो भी कैंडिडेट्स ACC 131 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी नया अपडेट यही आया है कि नया बैच आपका स्टार्ट हो रखा है, और एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 जनवरी लास्ट डेट है, आपको अपनी AFRO की ऑनलाइन साइट से अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ फुल PDF नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, थ्योरी MCQs वन लाइन है जिसमें सारा का सारा वहाँ पे कवर रहेगा, सारे सब्जेक्ट्स आपके इस कोर्स में कवर रहेंगे। थ्योरी जो होगी आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में 0 से एडवांस लेवल तक समझाने में काम आई जाएगी। उसके बाद लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए आपको MCQs एंड वन लाइनर्स भी मिल जाएंगे। उसके साथ में जैसे कि सारी चीज़ें आपको PDF नोट से समझ नहीं आती, इसलिए आपको उसके साथ साथ में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। वो जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, यू कैन वॉच देम एनी टाइम, जब भी आप फ्री हो, दिन रात सुबह शाम जैसी आपकी ड्यूटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ में आपकी डेली लाइव क्लासेस रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे चलेंगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं ना, और वो जो लाइव क्लासेस होंगी उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, और साथ में मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड रहेगा, PYQs भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि टॉप 500 की रैंकिंग में अगर आपको आना है ACC 130 एग्जाम में, आपसे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, या फिर डायरेक्टली ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर यू कैन डाउनलोड। और अगर आपको स्टडी मटेरियल बुकलेट्स अपने एड्रेस पे चाहिए, तो उनके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस सेम नंबर पे आपको पूरी डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे। और अगर SSB की तैयारी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे कोर्सेज हैं फॉर द सेम, अगर आपको SSB की भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं सेम नंबर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।